पानीपत शहर की परशुराम कॉलोनी में बदमाशों ने हथियारों से हमला कर एक 40 साल के मजदूर ठेकेदार की हत्या कर दी। राहगीरों ने शव को गली में पड़ा देख इसकी सूचना पुलिस को दी। मृतक उसी कॉलोनी में किराए के कमरे में रहता था। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर अज्ञात पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। तहसील कैंप थाना पुलिस को दी शिकायत में उपेंद्र ने बताया कि वो गांव अहिरोली जिला गोरखपुर यूपी का रहने वाला है। हाल ही में वो पानीपत के तहसील कैंप के विकास नगर में रमेश कुमार के मकान में किराए पर रहता है। वो तीन भाई हैं। तीनों भाई मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इसका नाम सुदर्शन था जी, मेरे ताऊजी का लड़का था ये, और इसका मर्डर विकास नगर में हुआ है, जो तहसील कैंप के पास में विकास नगर है। और ये टाइल और पत्थर के ठेके लिया करता था। रात को 10 बजे ये रूम से निकला है, अपने ब्रदर के पास से निकला है, जिस रूम से निकला है, और अपने रूम पर जा रहा था ये। तो अचानक में ये चीज़ें हो गई और किसी को भी इस बारे में कोई पता नहीं लगा। सुबह 8:30 या 9 बजे के आसपास किसी को पता लगा है कि यहाँ पे ऐसे मर्डर हो गया, और पुलिस को किसी अननोन बंदे ने सूचना दी है कि 8 बजे के नियर अबाउट उन्होंने सूचना दी है कि यहाँ पे कोई मर्डर हुआ है। जब तक इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं थी, वहाँ से निकलते हुए लोगों ने देखा तो पता लगा इसके आँख के पास चोट के निशान है, और सिर में बैक साइड में चोट के निशान है, और दांत भी 4 टूटे हुए हैं। हाँ जी, कुछ मिला पास से, कोई पत्थर मिला या कोई हथियार था? पत्थर वगैरह पड़े थे, बट उनसे कुछ एक्चुअल नहीं पता लग पाया। बाकी जो चीज़ें हैं, SHO साहब ने जैसे बोला है कि ये मर्डर ही लग रहा है, कोई मतलब गिरने से ऐसी चोट नहीं लगती है, और हमें भी ऐसा मानना है कि ऐसे गिरने से ऐसी चोट नहीं लगती है। किसी के साथ कोई झगड़ा रंजिश हो गया? नहीं, अभी तक तो कोई झगड़ा ऐसा कोई नहीं था कि कोई जानलेवा झगड़ा कर जान ले ले किसी बंदे की, ऐसा कोई झगड़ा या रंजिश तो बिल्कुल भी नहीं थी। 25 दिसंबर की रात करीब 10 बजे सुदर्शन अपने भाई उपेंद्र के कमरे से अपने कमरे के लिए गया था। सोमवार सुबह उन्हें पता लगा कि सुदर्शन मृत अवस्था में सरकारी स्कूल की दीवार के पास गली में पड़ा हुआ है। सूचना मिलने के बाद वो मौके पर पहुंचा, जहां देखा कि सुदर्शन मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके माथे व सिर पर चोट लगी हुई थी, काफी खून निकल चुका था। सुदर्शन की अज्ञात बदमाशों ने हत्या की है। सुदर्शन टाइल लगाने का ठेका लेता था। फिलहाल इस सारे मामले की पुलिस जांच कर रही है। ये हमें मैसेज मिला था करीब 8 बजे कि एक आदमी गली में पड़ा हुआ है, और ये हम वहाँ पे मौके पहुँचे थे, परशुराम कॉलोनी विकास नगर में, और परशुराम कॉलोनी की ज्वाइंट वो पड़ती है वहाँ पे। तो हम मौके पहुँचे तो हमें देखा, इसको आइडेंटिफाई हो गया, ये सुदर्शन नाम है इसका, और ये यूपी के रहने वाले, यहाँ पे टाइल लगाने का काम करते थे। तो इसको फिलहाल जो पोस्टमार्टम होगा उसके बाद पता चलेगा कितनी चोटें लगी हैं, लेकिन फिलहाल हमें प्राइम फेशिया देखे तो इसमें 3 चोटें लगी हुई हैं इसको। तो अब पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद उनके बयान ले लिए हैं, उसकी FIR दर्ज करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। अच्छा, क्या हत्या मर्डर किया गया क्या पता? हाँ, संभावना यही है कि मर्डर हुआ है, बाकी तफ्तीश में आएगा। आखिरी बार किसके पास था? आखिरी बार ये इनका इसका भाई था जो विकास नगर में रहता है, उनके साथ खाना वाना खा के ये अपने कमरे पे जा रहा था। कोई झगड़ा हुआ सब लूट पर? नहीं, फिलहाल कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है वो तो तफ्तीश के में जो सामने आएगा वो आपको बता दिया। रंजिश का मामला भी लगता? नहीं, रंजिश भी ये इसके घर वाले कोई रंजिश नहीं बता रहे हैं, ये कुछ किसी से कुछ लिंक ही नहीं बता रहे हैं कि वहाँ झगड़ा हुआ था या उससे कोई किसी बात की कया सुनी हुई थी। फिलहाल तक तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या हुआ था। पार्टी पुर्टी कर रहे थे रात? नहीं, पार्टी कुछ नहीं कर रहे थे, बस क्या है कि इसके भाई और इसके जीजा एक कमरे पर रहते हैं, दो भाई, ये तीन भाई थे, दो एक पर रहते हैं, ये एक अपने जो इसका कलीग है टाइल लगाने का काम करता है, वो भी ये उसके साथ अलग से रहता था। वो पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।